हमारे गांव के कुछ दबंग ठाकुर लोग हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार तो हमारी है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। ये घटना हुई है, इस घटना की जिम्मेदारी केवल थाना अध्यक्ष फूलपुर की है। थाना अध्यक्ष फूलपुर महोदय उस विपक्षी गढ़ से मिलकर योजनाबद्ध तरीके से होकर इन लोगों को घर पहुंचाने का काम किया है। जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का, हमरी है प्रदेश में सरकार तो फिर डर काहे का। ठाकुरों की गुंडई चरम पर है। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। वाराणसी के फूलपुर थाने के अंतर्गत एक गांव में ठाकुरों ने सिर्फ ठाकुर शाही दिखाने के लिए विश्वकर्मा समाज के एक पूरे परिवार को धर के धुन दिया, और धुनने के बाद हालत यह हो गई कि उन बेचारों को हॉस्पिटल जाना पड़ा। आपको लग रहा होगा कि यह बड़ा मजाकिया अंदाज में बात क्यों कर रहा है, क्यों मजाक उड़ा रहा है ऐसे लोगों की जिनको धुना गया। इसलिए क्योंकि आज के दौर में हम ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं जहां दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों की सुरक्षा मजाक बन चुकी है। वो उसी मजाक के अंदाज में थानों पर ट्रीट किए जाते हैं, प्रदेश की सरकारों द्वारा नजरअंदाज किए जाते हैं, देश की सरकारों द्वारा नजरअंदाज किए जाते हैं, और उनके मुद्दों को सुनने, जानने, समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। पहले पूरा मामला सुनिए, फिर आपको आगे की बात बताते हैं। वाराणसी जिले के फूलपुर थाना अंतर्गत परसरा गांव के रहने वाले उमेश विश्वकर्मा के घर के सामने से कुछ ठाकुर दबंग रास्ता बना रहे थे, जिसके लिए विवाद चल रहा था। ठाकुरों ने उमेश विश्वकर्मा को बकायदे धमकी दी कि अगर बीच में आए तो मारे पीटे जाओगे, जान से भी जाओगे, ख्याल रखना सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री हमारा है, ज्यादा उड़ो मत, लोकल प्रशासन से लेके ऊपर जितने भी लोग बैठे हैं वो सब हमारे हैं, इसलिए औकात में रहना विश्वकर्मा जी, और बाहर निकले तो देख लिए जाओगे। पहले नाम सुन लीजिए, देवेंद्र उर्फ भगोले, रविंद्र उर्फ भोला सिंह, संतोष सिंह, सत्य प्रकाश सिंह और देवेंद्र सिंह, अंकित सिंह, जय हिंद, वीरेंद्र, अवनीत सिंह और कविंद्र सिंह आदि, ये तमाम ठाकुर परिवार के लोग टूट पड़े तब जब ये विवाद बढ़ा। जबकि इस मामले में पीड़ितों ने एसडीएम को एक चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन उनको कोई सुरक्षा नहीं दी गई। एसडीएम ने बकायदा, एसडीएम साहब ने काम तक रुकवा दिया था कि अगले किसी भी आदेश तक वहां काम नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं माने, आखिर इनका मुख्यमंत्री था तो इनको मार करनी थी, ये चढ़ बैठे। जब हमने बात की तो हमें यह पता चला कि 12 जनवरी की सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास वहां मारपीट हुई, और हुआ ये कि इन तमाम ठाकुरों ने मिलकर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और इन्होंने इतना मारा कि आसपास जो लोग थे, उस परिवार के जो लोग थे, उनके सर फट गए। उमेश बताते हैं कि उनके बड़े भाई का सिर फट गया, बच्चे का सिर फट गया, लोगों के हाथों पर चोट आई, और इतनी ज्यादा चोट आई कि छोटे मोटे हॉस्पिटल से काम नहीं चला, उनको बकायदा बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर करना पड़ा, और क्रिटिकल कंडीशन में अब भी इलाज चल रहा है। मेरा नाम उमेश विश्वकर्मा है, मैं परसरा से रहने वाला हूँ, और ये मेरे भाई हैं। अच्छा, ये आपके बड़े भाई हैं? हाँ, बड़े भाई हैं। पीछे सर देखिए, पीछे देखिए, बहुत जख्मी हुए हैं लोग। अच्छा जी, अरे बाप रे। अच्छा, ये है इधर स्टेशन पे बगल में मेरा भतीजा, सर उसको भी बुरी तरह से मारे हैं। एक काने का फट, ये मेरी माता जी है, इनको भी देखिए। अच्छा, इनके भी हाथ में लगा है? हाँ, एक गोली टेढ़ा मल्ले है, कमर में भी लगा है। और बगल में उधर हमारे पिताजी, उनको भी चोट आई है। सर ये लोग हमारे गांव के कुछ दबंग ठाकुर लोग हैं, और हर बात की सर धमकियां देते हैं बीजेपी सरकार में, सर, और ये इनकी मनोबल बढ़ा कर रहे कि बीजेपी सरकार तो हमारी है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। और रही सही कसर पूरी कर दी फूलपुर के थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार राय ने। राय साहब बोले, हमारी बिरादरी का मामला है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, पीड़ितों ने हमसे कहा। राय साहब बोले, ये हमारी बिरादरी का मामला है, और ऊपर हमारी बिरादरी का मुख्यमंत्री है, तो कोई चिंता की बात तो है नहीं, हम डायरेक्ट डील कर लेंगे, इसलिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। लेकिन बात यह थी कि उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा था, प्रथम दृष्टया उन्होंने कार्रवाई नहीं की। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि मैं नहीं कह रहा हूं कि ठाकुर वाद हो रहा है, वो लोग जो कि पीड़ित हैं वो कह रहे हैं कि ठाकुर वाद हो रहा है, सब ठाकुर मिलके हमारे हमको घनचक्कर बना के पीट रहे हैं, और हमारी सुनवाई भी नहीं हो रही है। लेकिन उसके बाद बीएन सेना संगठन के संजय विश्वकर्मा की मदद से
परिवार वालों को न्याय की उम्मीद बंधी। एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर की कॉपी आप देख सकते हैं, और उसके बाद कार्यवाही शुरू हुई। जिन धाराओं में एफआईआर है उसके तहत इन ठाकुरशाही गुंडों को गिरफ्तार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन थोड़ा दबाव जरूर बना होगा और पुलिस चाहे तो गिरफ्तार भी कर सकती है, लेकिन वीडियो बनाने तक अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। संजय सिंह विश्वकर्मा एडवोकेट, बीएन सेना संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारी, जो भी घटना हुई है इस घटना की जिम्मेदारी केवल थाना अध्यक्ष फूलपुर की है। थाना अध्यक्ष फूलपुर महोदय उस विपक्षी गढ़ से मिलकर योजनाबद्ध तरीके से होकर इन लोगों को घायल पहुंचाने का काम किया है। जब पीड़ित व्यक्ति गया था अपना प्रार्थना पत्र लेकर, बदतमीजी से बात करते हुए अपमानित ढंग से पेश आया और कहा कि जाओ हम आपका प्रार्थना पत्र नहीं लेंगे। इस पूरे घटना के क्रम में थाना अध्यक्ष फूलपुर जिम्मेदार हैं। प्रशासन से कहना चाहेंगे उनको जल्द से जल्द वहाँ से बर्खास्त किया जाए और इन लोगों को न्याय दिला जाए। 307 धारा लगनी चाहिए। इस पूरी घटना से आपको क्या समझ में आता है? मैं समझाता हूं, समझ में यह आता है कि अगर यही कोई और सरकार होती, किसी दलित या किसी पिछड़े की सरकार होती, कोई और नेता होता, कोई अल्पसंख्यक नेता होता, तो किसी के ऊपर जात का आरोप लगा देते, किसी के ऊपर जातिवाद का आरोप लगा देते, किसी के ऊपर लगा देते कि ये जो है सिर्फ धर्म विशेष की रक्षा करने बैठे हैं और उनके लोग गुंडे बन रहे हैं। लेकिन अब कोई नहीं कहेगा कि ठाकुर साहब मुख्यमंत्री हैं इसलिए ठाकुरों की गुंडाई चरम पर है। वो छाती ठोक के कह रहे हैं कि तुमको देख लेंगे, औकात में रहना, सरकार हमारी है, ज्यादा उड़ना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और इतना कह नहीं रहे हैं, कर रहे हैं, और कर ऐसा रहे हैं कि खोपड़ी पे 10-20-50 टांके भी लग जाएं तो आप थाने में एफआईआर भी नहीं करा सकते। ये इकलौता मामला नहीं है, उत्तर प्रदेश में तमाम मामले ऐसे आ रहे हैं जिनसे साफ तौर पर आप समझ सकते हैं और हमारे तमाम वीडियोज में हम आपको बता चुके हैं। देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले में क्या कार्यवाही होती है। बाकी बने रहिए नेशनल जनमत के साथ और जागरूक और सतर्क बने रहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपका हक छीनने, आपको मारने पीटने धमकाने आएंगे, पर आपको लड़ना है। धन्यवाद।